घमंडी भिखारी। एक सिटी में एक भिखारी हुआ करता था। उसे बहुत घमंड था। उसका नाम था बबलू। सुबह ही भिखारी के वेश में भीख मांगता था। बस स्टॉप पर खड़े होकर, बाबू, भैया, माँ, दान दीजिए माँ, दान देकर पुण्य कमाइए। जितना पुण्य कमाओगे स्वर्ग में उतना एंजॉय कर सकोगे भैया। यूं पुकारता था। तब वे उसके झोली में पैसे डालते थे। वो जब तब एक गाय को भी साथ घुमाकर भीख मांगता था। भैया, बहन जी, दान दीजिए माँ, धर्म कीजिए माँ, ये गाय को देकर एक रुपया ज्यादा दीजिए भाई। यूं पुकारता था। शाम होते ही बबलू फाइनेंस कंपनी नाम का बोर्ड जहाँ लगा था उस शॉप में जाता था। वहाँ भिखारी का गेटअप निकालकर सूट पहनकर बैठता था। वहाँ आए लोगों को उदारी देता था। आहा, आप सच में बहुत ग्रेट है सर। सुबह भीख मांगते हैं और शाम को उधारी देते हैं। आपका काम सही है सर। रे, भीख मांगना एक कला है रे। उसके लिए एक टैलेंट होना चाहिए। वो सबको नहीं आता। अब ये सब छोड़ो और जाकर अपना काम करो। जाओ। यूं डांटता था। एक दिन बस स्टॉप पर वो और कुछ लोग खड़े थे। बबलू सबसे भीख मांग रहा था। एक आदमी उसके भीख मांगने के पहले ही, छी छी छी, जाओ 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 यहाँ से, सुबह सुबह आ जाते हैं, छी गंदगी। बबलू को बहुत गुस्सा आया। रे, मैंने अब तक तुमसे भीख ही नहीं मांगा और उसके पहले ही ऐसे क्या बात कर रहे हो रे। बड़े बड़े करोड़पति लोग ही मुझे दान देते हैं। तुम क्या हो रे आफ्टर ऑल, तुम्हारे जेब में पहली बात पैसे है भी क्या, कमीने। उसे बहुत गुस्सा आया। सबने वो देखा तो उसे अपमानित महसूस हुआ। रे, सोच समझ कर बात करो। मैं जेब में पैसे रखता ही नहीं हूँ। मेरे सारे डिजिटल पेमेंट्स होते हैं रे, सब क्रेडिट कार्ड ही हैं। देखिए भाई लोग, इस भिखारी को कितना घमंड है। इनके लिए हमें कैश जेब में रखकर घूमना चाहिए। आहा, जेब में कैश नहीं है। अगर होता तो दान देते क्या? कितना देते? जितना भी चाहो उतना दे देता रे। तुम्हें कितना चाहिए बताओ? आफ्टर ऑल 10,000 सही होता क्या? तुरंत बबलू ने एक स्कैनर निकालकर उसे दिखाते हुए, तो फिर करो रे, करो, स्कैन करके पेमेंट करो। गूगल पे, फोन पे, तुम्हारी मर्जी है रे। वरना मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स बोलू क्या? उसमें ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर सकते हो ना रे। अब तुमने पैसे नहीं भेजे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। बस वो कुछ नहीं कर सका तो स्कैन करके गूगल पे किया। एक बार एक लड़के का पर्स किसी ने चुरा लिया। वो लड़का फिर बस स्टैंड पर आकर पर्स नहीं है जानकर घबरा गया। वहाँ मौजूद लोगों से, सर, मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ सर, एक इंटरव्यू के लिए आया हूँ सर, किसी ने पर्स चुरा लिया, कृपा करके 200 दे दीजिए सर, मेरे गांव जाते ही भेज दूंगा सर। क्यों भाई, देखकर तो पढ़े लिखे लगते हो, ऐसे झूठ बोलकर भीख मांगने में शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। आजकल ऐसे नए नए आइडियाज ले आकर लोगों को धोखा देते हैं जी, ये कमीने। रे, जाओ यहाँ से। जाने दीजिए सर, बेचारे इस लड़के को शायद भीख मांगना नहीं आता। बेटा ये लो 200 लो, अब फिर लोगों को यूं धोखा मत देना। कहकर पैसे दिया। वो लेकर वो लड़का चले गया। फिर वो लड़का बबलू फाइनेंस कंपनी पर इंटरव्यू के लिए आया। फाइल बबलू को दिया तो वो फाइल बबलू देख रहा था। सर, आप कहीं तो आपको देखा है सर। सर, सुबह जो भिखारी से मैं मिला, आप उसके जैसे ही हो सर। हाँ बेटा, वो भिखारी मैं ही हूँ। देखा कैसे लोग हैं, सच में जिसे जरूरत है उन्हें नहीं देते, मुझ जैसे लोगों को भीख देते हैं। हमारे देश में कौन सच में भिखारी है कौन नहीं, ये देखने का समय किसी के पास नहीं है। इसलिए हमारे जैसे लोगों का धंधा यहाँ अच्छे से चलता है। तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है। एक भिखारी से जुड़ने में अगर तुम्हें कोई ऐतराजी ना हो तो तुरंत मेरे कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। वो खुशी से बबलू के आगे नमस्कार किया।